लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान जारी है। हल्द्वानी के सभी बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। लोग अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। पहली बार मतदान करने आ रहे युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अपने मत से असल मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान कराया जा रहा है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हैं। नैनीताल लोकसभा सीट पर भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और कांग्रेस से प्रकाश जोशी के बीच कड़ा मुकाबला है। सरकार वही आएगी जो देश का विकास करेगी, और हमारे लिए तो एजुकेशन मैटर करती है, इकोनॉमी, यही सब है। और जो वुमेन के लिए करे, मतलब कि हर एक चीज़ मतलब सही से करे, और मतलब हर लोगों के लिए, यानी कि वुमेन्स ओनली, फॉर ऑल पर्सन्स। जो भी चीज़ हो वो प्रॉपरली होना चाहिए कि जिससे सारी चीज़ें अच्छी हो, ये नहीं कि अनफॉलो सारी चीज़ें कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहे। जी, मेरा नाम रीना गुप्ता है और ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तो जैसे कि सभी लोग हैं अपने अपने नेता को चुनने आए, ये आशा करके कि वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें, तो इसी उम्मीद में मैं भी आई हूँ। एजुकेशन में डेवलपमेंट तो हो रहे हैं और एजुकेशन भी हाई लेवल की हो रही है, बट मैं चाहती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हो युवा बहुत ज़्यादा हैं और जिनको पदों पे जो भर्तियाँ निकलती हैं उस वो बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी को रोज़गार मिले और जो हमारी जो हमने अपनी एजुकेशन ली है, जो हम सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बेस पर हमें जॉब मिले। और हाँ, जो भी सरकार आएगी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो इस बात पर प्रयास करे कि ऑनलाइन वोटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं ना वो वोट कर ही नहीं पाते हैं। जैसे मेरी बेटी भी बाहर है तो नहीं आ पाई वो इस समय, अगर होता अगर ऑनलाइन का तो वो भी वोट देती। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये हमारा, इसके लिए हमारा विशेष जो ध्यान है वो विकास के ऊपर है। जो पार्टी विकास के लिए काम कर रही है लगातार, हमारा सारा रुख जितने भी मतदाता हैं आज जागरूक हो चुका है और विकास के नाम पर ही सिर्फ उसे वोट चाहिए देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन सी जाति पे, कौन से धर्म पे, किस पे क्या काम हो रहा है। वो सबसे उठ करके आज केवल सिर्फ और सिर्फ विकास और विकास पे ही मतदान हो रहा है। सबसे पहले जनता के सभी पब्लिक का मुद्दा ये होता है, बेरोजगारी और रोज़गार, और बेरोजगारी रोज़गार को देखते हुए जनता मूड बना चुकी है कि पोलिंग करेगी। तो क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिसको लेके जो जिसकी भी सरकार बने वो जनता के हित में? प्राथमिकता तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, प्राथमिकता ये होनी चाहिए, और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए सुरक्षित देश बनना चाहिए, सुरक्षित प्रदेश बनना चाहिए, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है। क्या सोच के आप यहाँ पे मतदान करने? मैं एक बेहतर समाज, बेहतर देश के लिए जो सरकार काम करेगी उसके फेवर में पोलिंग कर रहा हूँ।